ग्रामीणों ने लगाया हेडमास्टर के ऊपर आरोप। जिले के खेसरा विकासखंड के ग्राम पंचायत रिटिया बाजार में विकास कार्यों के लिए आए सरकारी धन का बड़े पैमाने पर हुआ बंदरबांट। प्राथमिक विद्यालय रिटिया बाजार का कार्य योजना पर चढ़ा भ्रष्टाचार के भेंट। कागज की बाजीगरी में सब कुछ धरातल पर, सच्चाई कुछ और। ग्राम रिटिया बाजार के प्रधानाध्यापक के कारनामों को लेकर तरह तरह की चर्चाएं जोर पर। लोग हैरान कि अनुकूत कमाई कहां से आई। ग्राम रिटिया बाजार के प्रधानाध्यापक रसोइयों से 1100 रुपये लेकर रसोइयों का सर्विस रिन्यूल करते थे। बच्चों का आया धनराशि 400 से लेकर उनको मिड डे का पैसा दिया गया। विद्यालय पेंटिंग का 50,000 आया था, धनराशि का बंदरबांट कर लिया गया, जो कि केवल पेपर पर दिखाया गया था। विद्यालय में नहीं हुआ कोई कार्य। विद्यालय में नल की व्यवस्था एकदम दयनीय है। विद्यालय में शौचालय की व्यवस्था भ्रष्ट है। विद्यालय में बच्चों को खेलने के लिए तमाम तरह की सामग्री आई थी, जो कि भंगार में बेच दिया गया। बच्चों को नहीं मिला खेलने का सामान। आए दिन रिटिया ग्राम प्रधान भूपेंद्र सिंह का कहना है कि आए दिन हमारे हेडमास्टर साहब विद्यालय पर कम गांव की राजनीति में ज़्यादा ध्यान देते हैं। कई बार कई लोगों से ग्रामीणों में लड़ाई भी और करवाया गया और झगड़े तत्पश्चात संबंधित अधिकारियों से शिकायत करने पर संबंधित अधिकारी नहीं देते थे ध्यान। कई बार शिकायत करने के बाद एसडीआई महोदय प्राथमिक विद्यालय पर पहुँच कर वीडियो भी बनाए, लेकिन वही मीडियाकर्मी के पहुंचने के बाद बाइट देते हुए नजर आने से बचते हुए नजर आए। वो बाइट देने से मना करते हुए नजर आए और छिपते हुए नजर आए। एसडीआई महोदय के जाने के बाद रसोइयों और हेडमास्टर से नोकझोंक हुई। हेडमास्टर नियुक्त रसोइयों को धमकाते हुए नजर आए। हेडमास्टर साहब के अनुकूत संपत्त कई वर्षों से हेडमास्टर साहब ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का संचालन काफ़ी हद तक कागज में करके सरकारी धन का बंदरबांट करने की चर्चा जोरों पर है, जिसका विवरण ग्रामीण के ग्राम प्रधान सहित समस्त ग्रामवासियों ने मीडिया कर्मियों को दिया। टीवी इंडिया IT न्यूज चैनल से ब्यूरो चीफ अनुपम पांडे के साथ जिला संवाददाता रामधनी चौधरी की रिपोर्ट। क्या नाम है भैया आपका? विश्वनाथ। विश्वनाथ, एक गांव का क्या नाम है? रिटिया बाजार। आप किस पद पे हैं? रसोइया पद पे। हमारी बीवी जी, आपकी बीवी जो है रसोइया है। हाँ। आपका क्या मामला है बताएं? वो जो है 1100 रुपया लिए थे, बोल रहे थे कि नौकर में लग रहा है। अच्छा, नए पोस्टिंग करने के लिए आपको 1100 रुपया लिए हैं? कौन लिया है? माता साहब, प्रिंसिपल साहब लिए हैं 1100 रुपया। हर रसोइयों से 1100 रुपया लिए हैं। क्या नाम है माठ साहब? तेज माठ साहब का पूरा नाम बताइए, शर्मा क्यों रहे हैं? नंद कुमार सिंह। महोदय आपका नाम क्या है? राम प्रकाश। राम प्रकाश, ये गांव का क्या नाम है? रिटिया बाजार। रिटिया बाजार, ये प्राथमिक विद्यालय पे क्या समस्या आप लोग को है? समस्या ये है कि लड़कों का धनराश का पैसा आया था जी, अब हेडमास्टर साहब 600 रुपया लिए हैं जी। तीन बच्चे का कितना लिए हैं? 600 रुपया लिए हैं। क्या कह के लिए हैं? और बोले हैं कि तुम्हारा आपका वजीफा आएगा, वजीफा नहीं, धनराश का पैसा आया है, उसके लिए बेरी फिट बनाना है, उसी के लिए 600 रुपया चाहिए। अच्छा, अब बना भी नहीं है अभी। अभी बना भी नहीं, बेरी फिट। और राशन भी नहीं वितरण हुआ है? कितना दिनों का देखा? एक महीने। ये जो बच्चों का राशन है ये भी नहीं वितरण हुआ है? नहीं, एक बार हुआ। एक बार हुआ, एक बार हुआ, दो साल में एक बार। एक बार हुआ है? सिर्फ एक साल। कब हुआ था ये? एक बार अभी एक महीना पहले, जब स्कूल खुला है। खाना वाना बनता है यहाँ पे? नहीं, खाना कभी, खाना इस बीच में नहीं बना है। कभी नहीं बना? नहीं, कभी पहले बनता, पहले बनता था, कोरोना के पहले बनता था। कोरोना के पहले खाना बनता था, कोरोना के बाद नहीं बना? नहीं, कोरोना के बाद एक दिन बच्चे। ये दीवार जो है इस पेंटिंग के लिए आया था कुछ यहाँ धनराश, तो क्या अभी तक दीवार? एक महीना पहले सर, ये मार्ट साहब कहे की एक महीना पहले हम करवा चुके हैं इसको। एक महीना पहले करा? एक महीना पहले। एक महीने में हालत ऐसी हो गई है, देख लीजिए। पेंटिंग हुआ ही नहीं है सर, मेन बात तो है कि पेंट हुआ नहीं, पेपर में पेंट हो चुका है और ऐसे पेंट मैनुअल। क्या नाम है भैया? मेरा नाम शिवम सिंह है। शिवम सिंह, ये गांव में जो रिठिया प्राथमिक विद्यालय है, यहां पर क्या समस्या है? यहां पर सर बहुत समस्याएं हैं, जो मतलब काफी ग्रामीणों को दिक्कत है। दिक्कत यह है कि हमारे यहाँ जो हेडमास्टर साहब हैं, मास्टर साहब जी, जो बच्चों को मिड डे मील का जो पैसा आ रहा है 1000, 1080, 1084 रुपए जो भी आ रहे हैं, उसमें से मास्टर साहब सब बच्चों से ये कह के लिए, कुछ बच्चों से जो करीबन 35 या 30 तक समथिंग होंगे, उनसे ये कह के लिया गया है पैसा कि जो 200-300 दो, हम आपको एफिडेविट बनवा देंगे, कागज बनवाएंगे, स्टाम्प लगेगा, तब आपके अकाउंट में पैसा आएगा। लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक मास्टर साहब बनवाए नहीं है किसी बच्चे का पैसा अभी तक। कुछ बच्चों का आया है, चयनित बच्चों का, कुछ बच्चों का नहीं भी आया है। समस्या यहाँ ऐसा है कि हालात आप स्कूल का देख लीजिए, स्कूल के हालात क्या है। यहाँ पे 5 अध्यापक हैं, जिसमें एक हेडमास्टर हैं,
जिसमें एक बेचारी महिला है जो अपने समय से आती है और चार मास्टर साहब लोग हैं, अध्यापक हैं, वो पूर्ण रूप से अपने समय से आते हैं, पूरी समय वितरित करते हैं स्कूल में और हेडमास्टर साहब के कोई समय नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। गांव के पॉलिटिक्स में उनको ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं, गांव का जो पॉलिटिक्स है उसमें ज़्यादा इन्वॉल्व रहते हैं। सेकंड बात यह है कि आप हमारे यहाँ रसोईया का हालत देख लीजिए, रसोईया का क्या हालत है, खाना बच्चों को कितना दिन मिला कितना दिन नहीं मिला वो भी आप देख लीजिए, और स्कूल की हालत देख लीजिए क्या है, नल मंदिर का जो नल है स्कूल के सामने उससे पानी पीते हैं बच्चे, स्कूल का नल देख लीजिए क्या हालात है, लैट्रिन बाथरूम देख लीजिए, एक स्कूल के छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, ध्वस्तीकरण के लिए ये चार बार डाला गया है, ध्वस्तीकरण नहीं हुआ, छोटे बच्चे हैं, कोई बच्चे के ऊपर कुछ गिर गया, किसी का ईंट गिर गया, कोई मर गया, कोई जी गया, तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? मास्टर साहब अपने काम से लीन रहते हैं, स्कूल से कोई मतलब नहीं है। जो भी है एसडीआई साहब हैं, एसडीआई साहब भी यहाँ से निरीक्षित करके गए हैं, सब लोग निरीक्षण करके गए हैं, अब वो आगे क्या प्रक्रिया होगी एसडीआई साहब जाने, बाकी का जो भी सूचना है आपको ग्रामीण लोग दे देंगे, जिससे जिससे पैसा लिया गया है 200-300-400 रुपया, गल्ला जो वितरित किया जाता है जो चयनित बच्चों का वही ही वितरित किया गया है, बाकी और 5-7 किलो पर बच्चों को देना चाहिए, जिसमें 5-4 किलो बच्चों को दिया गया है, बाकी का गल्ला बिक गया है, आप गल्ला देख लीजिए, गल्ले सड़ गए हैं, स्कूल के जो भी खेलने वाले सामान है बच्चों को भंगार में बिक चुके हैं। मार साहब आपका नाम क्या है? एनके सिंह। एनके सिंह, आप जो है इस विद्यालय पर रिठिया विद्यालय पर किस पद पे हैं? अभी प्रधानाध्यापक पद पर हैं, इसके पहले जो है परमात्मा प्रसाद त्रिपाठी थे, मार्च 2020 में।